कुड़ियों को देख के लगता है कि शायद माहौल चेंज हो रहा है, शायद लोग की चेंज हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो कुड़ी कामयाब हुई ना उसके पीछे या तो उसके पेरेंट्स का हाथ होता है या उसके हस्बैंड का हाथ होता है। अमेजिंग प्रोग्राम होने जा रहा है वंस अगेन फ्रॉम सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी। पर इस बार ऐसे 5 दिन का प्रोग्राम है कर रहे हैं। क्या बात, प्योरली क्लासिकल म्यूजिक का फेस्टिवल। एब्सोल्युटली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल। डेट्स की है क्या चल साहब? सितंबर 15, 16, 17 क्या अगले महीने दी? क्या वुमेन एम्पावरमेंट दी अपा गल कर दें या आजकल आप देखिए कि लेडीज बहुत कुछ तरक्की कर दी ने किसी वजह नाल जो भी पहले चलता रहे हुण जमाना बदल गया है तो ये ज़्यादातर साढ़े जो स्टार परफॉर्मर ने दे आर लेडीज। सो डांस का सैगमेंट भी असं 2019 भी जोड़िया एक दिन इस बार भी है। सो तीसरा दिन साढ़ा डांस का है। आई रियली थैंक्स टू माई फादर कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, हजे तक वो सपोर्ट इन्ना कर रहे हैं कि इन एवरी मूमेंट वो मैं हमेशा ही कहें कि रियाज करना, हार्डवर्क करना, ताकि आप अगे मुकाम से कुछ बन सके। जलंधर तो बिलोंग कर रही हूँ। प्रॉपर जलंधर जी। क्या बात है। मैं नामधारी फैमिली तो बिलोंग कर रही हूँ। पहली गल तो यह ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कोई जल्दी बजाता नहीं, बिकॉज एदा और अपने थ्रोट नाल साह नाल बहुत ही ज़्यादा कनैक्शन है। तो गर्ल्स बिल्कुल प्रेफर नहीं करती इंस्ट्रूमेंट सीखने के, बिकॉज ये होंगे कि जो कंठ होंगे ना उन्होंने जो थ्रोट होंगे बहुत ही ज़्यादा नाजुक होंगे जिदे नाल आवाज़ जी हैवी होने लग जाती है। तो एक जी कुड़ी होंगी वो भी आवाज़ बहुत मायने रखती है। मेरी जी अचीवमेंट है, मैं 4 नैशनल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में लैके दिते ने। अच्छा, क्या बात है। तो अपना फ्लूट के पिछे लैके दिते ने, तो उन्होंने भी बहुत प्रमोट किया, यूनिवर्सिटी ने मैनू बहुत सपोर्ट किया। तो मैं फोक ऑर्केस्ट्रा च प्ले किया, होर अनदर परफॉर्मेंसिस प्ले किया जिसे मैं नैशनल अवार्ड विन किया। सो ये मेरे लिए बिग अचीवमेंट है। नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। आप देख रहे हैं पंजाबी नेशनल टेलीविजन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कैलगरी में सर्व अकाल म्यूज़िक सोसाइटी जो है बहुत सालों से हमारे इस कैलगरी को म्यूज़िक से, मैं कहता हूँ, शावर करते हुए आ रही है और एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम होने जा रहा है वंस अगेन फ्रॉम सर्व अकाल म्यूज़िक सोसाइटी। उसी तर्ज पर और उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं चहल साहब, जो कि हमें थोड़ा बताएंगे कि ये क्या प्रोग्राम है और इसकी रूपरेखा कैसे होगी और क्या होगी। सर जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो जिमें आप गल कर रहे थे हुनी एक होर प्रोग्राम होने जा रहे हैं, प्लीज़ जरा उसके बारे दसो। साथियों सबनों सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रोग्राम कैलगरी वासी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ICMF इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल सर्व अकाल वालों हर साल किया जाता है मिड सितंबर के, सितंबर के 2nd-3rd वीक समवेयर एंड 15th। तो इस बार भी ये प्रोग्राम असी सितंबर 15, 16, 17 कैलगरी कर रहे हैं और हमेशा असं ये दो दिन का प्रोग्राम करते रहे हैं जब तो शुरू होया। 2019 तीन दिन तक हो गया सी, थोड़ा सब का प्यार मिलता रहा, तरक्की करते रहे असी थोड़ी बहुत, और इस बार असी 5 दिन का प्रोग्राम ही कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। एंड इन टू सिटीज। क्या बात, एडमिंटन हो रहा है 2 दिन लिए सितंबर 7 and 8 और कैलगरी एज यूजुअल मिड सितंबर 15, 16, 17 3 दिन लिए।
और जिस तरह बहुत लोग जानते साथी जो नहीं जानते उन्होंने मैं दसना चाहूँगा कि प्योरली क्लासिकल म्यूजिक का फेस्टिवल एब्सोल्युटली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक फेस्टिवल दैट्स वॉट ICMF स्टैंड्स फॉर। वो सानू बड़े हम्बली थोड़ा प्राउड भी होंगे कि असी कुछ अच्छा काम कर दिता है लोगों क्लासिकल म्यूजिक वाल रुझान हो गया उन्होंने प्यार हो गया प्रोग्राम हर साल तरक्की कर रहा है अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं साढ़े को जो आर्टिस्ट आते असी वर्ल्ड लैवल के आर्टिस्ट लें ए ग्रेड भी नहीं टॉप टॉप ग्रेड रहा था कहोगे तुम स्टारवर्ड्स ऑफ द म्यूजिक जोड़े आते रहे साढ़े को और इस बार भी हूँ उस तरह के आ रहे हैं। तो बस इन्ना क्या है कि मकसद ये है थोड़े नाल गलबात करन दा कि तुहानू याद दिला दिए प्रोग्राम फिर आ गया करोना दे विच नैचुरली साडा प्रोग्राम ऑनलाइन ही होया तो वह गल नहीं बनी तो इस बार इन परसन हो रहा है प्रोग्राम 2019 वाज इन परसन और हुण 2023 दे विच इन परसन हो रहा है। डेट्स की है क्या चल साहब सितंबर 15, 16 ते 17 अगले महीने की क्या बात और इस दे विच एक होर खास गल है कि मोस्टली जिवें कहिंदे आ कि वीमेन एम्पावरमेंट की आप गल करते हैं या अजकल आप देखिए ही कि लेडीज बहुत कुछ तरक्की कर दी ने किसी वजह नाल जो भी पहले चलता रहा हूँ जमाना बदल गया है तो ये ज़्यादातर साढ़े जो स्टार परफॉर्मर ने दे आर लेडीज क्या बात ज़्यादातर फीमेल्स ने और सब तरह का प्रोग्राम होएगा जिस तरह वोकल होएगा बड़े अच्छे आर्टिस्ट ने इंस्ट्रूमेंटल होएगा और जिस जब म्यूजिक किया जाता है ना अमृतजी म्यूजिक का मतलब होता है आवाज साज और डांस। सो डांस का सैगमेंट भी असं 2019 च भी जोड़िया एक दिन इस बार भी है सो तीसरा दिन साढ़ा डांस का है जिद असी क्लासीकल डांस कुचीपुड़ी भरतनाट्यम वो डांस एड किए हैं। सो इट्स ए कंप्लीट पैकेज जिद हरेक अपने अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ अपनी पसंद की चीज़ा मिल जाएगी। टिकट जरूर ले लेना टिकट लैन लई हरजीत सिंह या सुनीता कॉल कर लेना उन्होंने नंबर तुम्हें शायद टीवी से इस बाद भी दे मैं बिल्कुल पा देंगे। मेरा सवाल एक सीगा तुसी ये जिहड़ा कहा ना कि लोगों को हुण शायद पसंद आ लगे ने प्रोग्राम चल साहब पसंद तो पहला तो आते बट लोगों को यह होंदा सीगा कि जाइए ना जाइए कौन जाऊगा की होएगा जब हुण उन्होंने क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम देखे ने जब उन्होंने देखिया कि किस तरह के लोग किस तरह के आर्टिस्ट उत्थे आ रहे हैं एक रुझान होर वध्या एंड दैट क्रेडिट गोज टू यू योर टीम अरजीत पाजी सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी जिन्होंने किस तरह की भी प्रॉब्लम आई उन्होंने कदे आर्टिस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एब्सोल्युटली बिल्कुल है कि नहीं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इस गल दा मैनूं बड़ा मान हुंदा है कि हरजीत उन्होंने इन्नी मेहनत की है मैं पिछले 7-8 साल तो उन्होंने नाल आया जो वाइस प्रेजिडेंट जी पर मैं उन्होंने बहुत क्लोजली देखे वॉच किए बड़े साढ़े हार्ड टाइम आए बिल्कुल लेकिन उन्होंने कदे भी उन्होंने कदे भी किसी भी क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामिंग क्वालिटी ऑफ तुसी जिहड़ी प्रेजेंटेशन हुंदी है अपने जिहड़ा भी कोई जिथे तुसी उन्हों वेन्यू हैगा या फिर उन्होंने आर्टिस्ट हैगे कदे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो उन्होंने बेस्ट तो बेस्ट जिहड़ा क्लासिकल म्यूजिक साडा हैगा वो साडे वास्ते वो कैलगरी लैके आए हैं बड़े मान की गल है। एक ही इज द परसन हु शुड बी क्रेडिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग बिल्कुल मतलब कि स्पेशली उन्होंने करना चाहिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी है चाल साहब क्योंकि की होंगे कई बार लोग कहते हैं यार हूँ ये नहीं है मेरे को रिसोर्स नहीं है मैं इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चलो मैं कोई इस तरह के आर्टिस्ट लेके आना चलो कम चलता रहेगा कम चलाना नहीं है कम है पूरा जी जान दे नाल बिल्कुल गिव द एंड प्रेजेंट द बेस्ट एंड वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी इन कैलगरी एंड चहल साहब एंड हिज टीम एंड अरजीत पाजी वी आर रियली ब्लैसड क्योंकि ये जो विरसा असी इंडिया छड़ के आए थे वो सानू इत्थे सुनने मिल रहा है इत्थे देखने मिल रहा है वी कैन हैव इट वी कैन हेयर इट ऑन वीडियो ऑडियो लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स बट लाइव इज समथिंग एल्स तो जरूर तुसी इस मौके पर पहुँचो इन प्रोग्राम्स नूं जरूर कामयाब बनाओ जिस तरह तुसीं कामयाब बनाते रहे हो अमेजिंग आर्टिस्ट थानू सुनने मिलेंगे डिफरेंट क्लासिकल म्यूजिक थानू सुनने मिलेगा सितार फ्लूट ढोलक तबला यू नेम इट एंड इट इज़ देयर बहुत सब कुछ कवर किया ते जरूर तुसीं चल साहब एक बार फिर जरा तुसीं डेट दसो ते किवें कित्थे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टिकट्स लई। थैंक यू जी
एक तो तुसी इनफॉरमेशन लिए सर्वकाल टीवी जो अगर तुसी जानने हो फेसबुक ते होते इनफॉरमेशन मिल जाएगी, अदरवाइज तुसी इन्हां दा प्रोग्राम तो देख ही रहे हो। सर्वकाल साड़ी वैबसाइट भी हैगी है sarvakal.com, उस ते जाओ, उस ते इनफॉरमेशन मिल जाएगी। ईमेल करना चाहते हो कुछ प्रोग्राम ले, कोई पूछन ले कुछ भी, sarvakalmusic@gmail.com ईमेल कर दो, तुहानू सारी इनफॉरमेशन भेज देंगे। टिकट बुक करना चाहते हो हरजीत सिंह का नंबर हैगा 403-701-1760, 403-701-1760, उन्होंने कॉल कर लो, नहीं तो साड़ी सैक्रेटरी हैगी है सुनीता जी, सुनीता नू कॉल कर लो 467-6090, 403-467-6090। सच्ची बड़ा मजा आता है, इस उम्र के भी बड़े फायदे हैं, ओल्ड एज दे फ्लूज नहीं नठन नहीं देना इस चीज़ तो। सर जी तुसी जो मर्जी भूल जाओ, लेकिन थोड़ी दो लाइना ये मैं कदे नहीं भूल सकता। हुण शायरी च आपां वापस आने हैं ते दो लाइना सानू जरूर, इहने कहना मैं भूल गया हुण क्योंकि मैं थोड़े शायरी दी जिहड़ी मेरी वीकनेस है सच्ची, इह मैनूं बाकियां दे शेर याद रहिंदे, अपने बड़ा मुश्किल है, पर मैं हाँ कहना बिल्कुल तुसी बड़े अच्छे मौके ते बोल रहे हो, मेरा दिमाग चल रहा है इस वेले बिल्कुल सही। दो लाइना है मेरी, एक लेटेस्ट गज़ल है, मैं हिंदुस्तानी बोली च लिखदा है, हिंदी उर्दू मिक्स, पंजाबी च एक दो गज़लां लिखियां ने ज़्यादा ने। छुपा कर मूँह, ये अजकल दे जमाने ते है, जरा गौर करन दा शेर है, थोड़ा जिहा है, बड़ा छोटा शेर। छुपा कर मूँह शराफत रो रही है, छुपा कर मूँह शराफत रो रही है, कि सदियों की विरासत रो रही है। वाह, अजकल जमाना, और उस विरासत नू कि सदियों की विरासत रो रही है, उस विरासत नू जिंदा रखन लई सर्वकाल वालों एफर्ट किए जा रहे हैं कि असीं अपनी पुरानी चीज़ां, वो म्यूजिक, वो पुराने सब कुछ लिटरेचर भुलीए ना। क्या बात है, साड़ी बस क्या बात है। तुसी दर्श पर अज साडे नाल जुड़ी ने गुरदेव कौर जी, थोड़ा सा ब्रेक लेने हैं, ब्रेक तो बाद दोबारा हाजिर होने हैं, जाइएगा कहीं नहीं, आप देख रहे हैं पंजाबी नेशनल टेलीविजन प्रोग्राम कैलगरी फोकस। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। अभी हम बात कर रहे थे चैल साहब से, जिन्होंने बताया कि सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी का जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो किस तर्ज पर होने जा रहा है। तो हमारे साथ एक आर्टिस्ट जो कि उसमें जुड़ेंगी वो हमारे साथ आज हैं, तो वही उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो वहाँ पर हमारे लिए क्या लेके आने वाली हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरदेव कौर जी का। बहन जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, मैं तो थोड़ा बहुत थैंक यू कर दिया, तुसी आज मैं इत्थे इंटरव्यू करन दा मौका दिता, एक अपनी गलबात करन दा मौका दिता, सो आई रियली थैंक्स टू यू। गुरदेव जी सब उपर वाले दा कर्म है, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਫੋਰ ਟੂ ਸਰਵਕਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਫੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਡਾਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਉਹ ਸੂਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਂਸਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਦਵਾਂ ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ ਔਰ ਈਵਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੀਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਯੂਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ ਘਰ ਰਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਧਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਆਈ ਟਾਕ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਨੋ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੋਰਚੁਨੇਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀਪ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨ-ਲਾਅਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਵੰਡਰਸ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਬ ਅਕਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 3000 ਅਰਾਊਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਾਈ ਵੰਜਲੀ ਵਾਈ ਨੋਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਯੂਨੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੁਰਸੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਥਰੋਟ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਜਾਉਣਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮਤਲਬ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਚ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਯੂ ਫੈਲਟ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ 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 ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗੀ
क्या बात इवन मेरे गुरु जी ने भी मेरे ते मैं उन्हों का बहुत थैंक्स कर दी, उन्होंने मेरे ते ट्रस्ट किया कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट ये सीखने के काबिल बनी। और मेरे जिहड़े गुरु जी ने उस्ताद गुरदीप सिंह जी ते गुरु अजय प्रसन्ना जी जिन्हों तो मैं तालीम लै रही हाँ, तो काफ़ी अच्छे तरीके उन्होंने सिखाया। और ईवन कि उन्होंने तो एक ही लड़की सीख रही है गुरदीप सिंह जी को, जेडे मेरे उस्ताद जी ने, तो वो लड़की सिर्फ मैं ही हाँ। तो जब हम तुम इनू बजा लग गए थोड़ी की अचीवमेंट रही है हाल तक, लाइक वेयर हैव यू प्लेड दिस एट द हाईएस्ट लेवल? मेरी जड़ी अचीवमेंट है, मैं चार नेशनल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में लैके दिते ने। अच्छा, क्या बात है। ते अपना फ्लूट दे विच ही लैके दिते ने, ते उन्होंने भी बहुत प्रमोट किया, यूनिवर्सिटी ने मैनू बहुत सपोर्ट किया। तो मैं फोक ऑर्केस्ट्रा च प्ले किया, होर अनदर परफॉर्मेंसिस प्ले किया जिसे जो मैं नैशनल अवार्ड विन किया। सो ये मेरे लिए बिग अचीवमेंट है। तो होर भी क्लासिकल संगीत सम्मेलन, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, काफ़ी इदा के संगीत सम्मेलन ने जोड़े पंजाब के होंगे ने, उन्होंने मैं पार्टीसपेट किया, उन्होंने मैं परफॉर्म किया। वो भी मेरे लिए बहुत वही गल है कि उस स्टेज के उत्ते बैठ के परफॉर्म करना ही एक आर्टिस्ट लिए बहुत वही गल होंगी। ऑफकोर्स नहीं, बहुत वही गल हैगी है। तो गुरदेव जी, एक चीज़ होर जी सब तो इंपोर्टेंट है, वो हैगी है कि उन्होंने मेनटेन करना, बिल्कुल ठीक है, अपने इस लैवल में मेनटेन करके रखना, अपनी परफॉर्मेंसिस मेनटेन करके रखना, अपने एक जोड़ा थोड़ा प्रेजेंटेशन है उन्होंने मेनटेन करके रखना। जे तुसी चार नेशनल की गल कर रहे हो तो बहुत वड्डी गल है, क्योंकि एक आम बच्चे वास्ते इस एज चार नेशनल जित जाने बहुत वड्डी गल होती है। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि थोड़े जैसे बच्चे अगे वध रहे ने, अगे अपने क्लासिकल म्यूजिक नू इनू प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अज दे मैं नहीं कह रहा कि वो म्यूजिक भी बुरा है, लेकिन सब का अपना टेस्ट होंदा, सब की अपनी वे ऑफ लिसनिंग होंदी है, बट आज का म्यूजिक समझन नू थोड़ा जा होर डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड सैट चाहिए है। गुरदेव जी, अपां गल कर रहे हैं कि तुसी चार नेशनल जीते हैं, ट्रॉफीज लैके तुसी आए हो जलंधर ते कॉलेज वास्ते, थोड़ा जा अपने एजुकेशन बारे दसो प्लीज़। जे मैं अपनी एजुकेशन की गल करा, मैं मेडिकल लैबोरेटरी पैथोलॉजिस्ट साइंसिस च मैं स्टडी की है। अच्छा, तो ये वेरी हार्ड स्टडी है, इनू और म्यूजिक नू मैनेज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मैं वही पूछना चाह रहा सीगा कि किसे मतलब कि फिर ये वधिया कि तुसी फ्लूट बजाते बजाते लोगों का इलाज कर लेने हो। बिल्कुल 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 ठीक है। तो बट किवें मैनेज होया? मेरा शेड्यूल इदा हुंदा सी कि मैं सारा दिन यूनिवर्सिटी, उस तो बाद आके रियाज, फिर कुछ काम करना, फिर सो जाना, मतलब सारा ही दिन मेरा बिजी ही रहिंदा सीगा। और स्टडीज़ दे नाल नाल मैं कुछ ट्रेनिंग करदी सीगी, ते हॉस्पिटल च मैं काफ़ी पेशेंट्स नू डील करदी सी, ते काफ़ी अच्छा लगदा सीगा, ते काफ़ी ब्लैसिंग्स दिंदे सी। ते ई वी फील्ड एज सच काफ़ी अच्छी है, एक पेशेंट नू डील करना और एक फ्लूट बजा के किसे नू ठीक करना इज द सेम थिंग, बट द इंस्ट्रूमेंट द इक्विपमेंट इज द डिफरेंट। आपां कहिंदे ना तानसेन जिहड़े सीगे ओ बारिश करा दिंदे सीगे, दीए जल दिंदे सीगे, ते इहदे च पावर हैगी है। बिल्कुल, किसी ना किसी रूहानी ताकत इस सारे इंस्ट्रूमेंट च हैगी है, बस वो शिद्दत चाहिए है, वो जज्बा चाहिए है कि इनू बजा के आपां की चमत्कार कर सकते हैं, राइट। तो आई बिलीव रब ने मेरे ख्याल थोनों ता ही चुनिया, एक स्पैशली उस नर्स की यू नो जॉब वास्ते या वो स्टडी वास्ते, क्योंकि वो देख रहा सीगा कि तुसी इस प्रोफेशन च भी आना है, तो यदा तालमेल बहुत ही वधिया बैठता हैगा। एंड इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर यू नो bringing up this question, because again ye sanu hor saadi akhaan kholda hai ki apan apne shauk de naal naal apni hobbies de naal naal apni padhai te hobbies da je acha taalmel rakhi apan bahut kuch kar sakde ha. Even ki jidda ki main tanu dassya hoga ki main namtari family to belong kardi hu, te Satguru Jagjit Singh ji unna di bahut kripa rahi hai saade te, te even ki इस फैमिलीज़ दे विच म्यूजिक दा पहले तो ही एक एटमोसफेयर बनया हुंदा, ते हर कोई इस म्यूजिक च हुंदा ही है। ते इवन सतगुरु जी, सतगुरु जगजीत सिंह जी बचन करदे हुंदे सीगे कि
हर एक फैमिली दे विच एक बच्चा म्यूजिक जरूर सीखे क्या बात है ताकि जिहड़ी ये फुलवाड़ी है ये कंटिन्यू चलती रहे। श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी संगीत सम्मेलन जदों शुरू होया 78 दे विच पहला संगीत सम्मेलन साढ़े घर होया सी। अच्छा उस तो बाद ये सीरीज चल रही है अजे तक। क्या बात क्या बात। फिर एक संगीत सम्मेलन जी साढ़े घर होया सी, काफ़ी वड्डे वड्डे उस्ताद लोग आए सीगे ते मैं भी कह सकती हूँ कि मैं उस फैमिली च भी बिलोंग करती हूँ जिते पहला संगीत सम्मेलन होया सी। क्या बात है। कैलगरी आके किवें लग्या? बहुत अच्छा लग रहा मैंने कैलगरी आके। पहला तुसी ट्रैवल किया वर्ल्ड च किते? जी मैं नैशनली ते ऑल ओवर इंडिया ते मैं ट्रैवल करती रहनी हूँ। मैं पिछे बैंगलोर गई सी, महाराष्ट्र गई हूँ, रांची गई हूँ, मतलब ट्रैवल करती रही हूँ। बट इंटरनेशनली मैं मेरा फर्स्ट ट्रिप पे आई ते मैं फर्स्टली इंटरनेशनल ट्रैवल। फर्स्ट टाइम आए थे वही कैनेडा की कैलगरी तुसी पहुंचे हो ते वो भी जिथे सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी वर्गी ऑर्गेनाइजेशन हैगी है जिहड़ी कि अपने देश के कल्चर नो अपने म्यूजिक नो प्रमोट कर रही है। हाउ यू फील लाइक हाउ यू फेल्ट अबाउट कैलगरी? किवें लगे लोग किवें लगे? काफ़ी अच्छा लग गया मैंने कैलगरी, इतने का एटमोसफेयर अच्छा है। ईवन कि मैं कुछ लोगों को मिली वो म्यूजिक के प्रति इन्ना इंट्रस्ट रखते है, मतलब मैं बिलीव नहीं सी बिकॉज इतने की लाइफ इन्नी बिजी है ना, टाइम नहीं मिल पाता लोगों इदा म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करना या कुछ, तो बहुत करियोसिटी रखते हैं कि म्यूजिक सुनना म्यूजिक वजाना, और आई रियली अप्रीशिएट। क्या बात है। तो तुम हम जो म्यूजिक फेस्टिवल हो जा रहा है परफॉर्म करोगे, बिल्कुल दो वर्ड बारे किमें की कहना चाहोगे? मैं सरदार हरजीत सिंह जी का बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने सानू इत्थे परफॉर्म करन दा एक ऑपरचुनिटी दिती है, ते बाकी मैं म्यूजिक श्रोतियां नू भी थैंक्स कहना चाहनी हाँ कि वो सुनन आन, वध तो वध जाने सुनन आन इत्थे ते सानू आशीर्वाद देन, होर अगे असीं वधिया वजाएंगे, ते बस मेरा ही मैसेज है। क्या बात है। तो आपने सुना गुरुदेव कौर जी को, बहुत ही हम्बलनेस उनमें है, और जो भी आर्टिस्ट मुझे मिलता है यूजली दे आर वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ। चार नेशनल जीतना इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली जहाँ पे इतना टफ कंपटीशन हो। तो ज़रूर आप वहाँ पहुँचें और इस अमेजिंग इवनिंग का आनंद लें। बिफोर वी एंड टूडेज प्रोग्राम गुरुदेव जी, मैं थोड़े तो यदि जी मैं चाहूँगा कि तुसी जरूर सानू दो यू नो बजा के सुनाओ, लेकिन बिफोर वी एंड टूडेज कन्वर्सेशन तुसी की संदेश देना चाहोगे स्पेशली वो पेरेंट्स वास्ते, वो कुड़ियाँ वास्ते जेडे कि कुछ करना चाहती ने लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं मिलती? मैं यही मैसेज देना चाहवागी कि वध तो वध अपने ड्रीम्स पूरे करन, ठीक है। मैं फैमिलीज़ नू भी यही मैसेज देना चाहनी है कि अपने बच्चों नू प्रमोट करन, उन्होंने होर कॉन्फिडेंट करन कि वो अगे कुछ कर सकते हैं। बिकॉज वैन अगर आप किसी नू एप्रीशिएट करते हैं तो वह कॉन्फिडेंट होंगे, उन्हें चाहत आती है कि अगे आप होर वधिया तो वधिया करिए। तो मैं पेरेंट्स नू भी कहांगी मतलब कि उन्होंने प्रमोट करन, ईवन कि चाहे वह म्यूजिक हो या चाहे वह स्टडीज़ हो, बट एक सपोर्ट है वो हर एक पेरेंट्स नू अपनी बच्ची नू अपने बेटे नू, ठीक है, करना चाहिए बिकॉज इट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर यही साढ़े है जिन्होंने अगे बहुत वधिया तरीके नाल दुनिया नू देखना है और अगे वर्क करना है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन। चाहिए कहीं नहीं, एक और सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग चैनल एंड हमारे को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर फॉलो करें। थैंक यू एंड टेक केयर। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जाइए कहीं नहीं, एक बहुत ही अमेजिंग सेगमेंट आपके लिए आने वाला है। तो गुरुदेव जी के बारे में आपने भी सुना, लेकिन वो वहाँ क्या प्रेजेंट करने वाली हैं एक छोटी सी झलक आपके लिए। प्लीज़ गुरुदेव जी। मैं आज राग भोपाली बजाऊंगी, कुछ छोटा जा सुनाऊंगी राग भोपाली जरूर। Oh,
Thank you.
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब एक जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट गुरुदेव हमारे लिए लेके आई हैं वो आपके सामने पेश करेंगी। गुरुदेव प्लीज, ये एक ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही मुश्किल है बजाना, जरा मैं इस बारे पढ़िया हैगा, एक बहुत ही लाइक इट्स आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स, प्लीज। जी मैं इस इंस्ट्रूमेंट की गल करा, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अलगोजी। अलगोजी ते ये पंजाबी फोक च यूज किए जाते हैं, ये पंजाबी पुरातन गाने जिन्हों कहते फोक गाने वह बजाए जाते हैं, लोक साज जेडे इनू कही था जी। ते ये बजाना भी बहुत ही मुश्किल, बहुत ही औखा है, बहुत ही औखा है। ਡਾਬਾ ਫਲੂਟ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਫੂਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਪਲਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਲਟਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਆਲਸੋ, ਰਾਈਟ। क्या बात है गुरुदेव जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा थोड़े को, कितना रियाज करते हो तुसी हर रोज? अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल मैं 5 आवर्स ते रोज कर दी। 5 आवर्स जी, अनबिलीवेबल। ते साल ही कोई स्पेशल प्रैक्टिस की जाती? साल ही बस जिन्नी ही प्रैक्टिस करोगे उन्ना साज तुहाडा होएगा, ठीक है। जिन्ना इनू आपां छड्डदे जावांगे उन्ना ही साडे तों दूर जांदा जाएगा। सो प्रैक्टिस इज अ छड़नी पैंदी है, जिवें कहिंदे ना कि हुण बनाना कई गला खराब ना हो जाए, कुछ ना गोलगप्पे ना खाओ, चाट पकौड़ी ना खाओ, कोई इस तरह चीज सच ऐदा ते हुंदा है कि गले दा बहुत ध्यान रखना पैंदा और ठंडा नहीं खाना पैंदा, खट्टा हो गया मतलब खा सकते हैं, मतलब कि सानू मैनेज करना पैंदा। मैनू ये हुंदा कि मैं परफॉर्मेंस तो पहला कुछ एहो जिहा ना खावां, ना खावां, क्या बात। इंजॉय करना चाहिदा, सारा कुछ खाओ पियो, बट ध्यान यही रखना चाहिदा कि जदों तुहाडी परफॉर्मेंस आ उस तों चाहे तुसी एक मंथ पहला या एक वीक पहला या जिन्नी देर भी पहला आपां परफॉर्म करना सानू लगे कि आपां ठीक रहांगे, उन्नी देर पहले उस चीज़ नूं छड्ड दो। बट खाओ सब कुछ, क्योंकि सब कुछ खा के ही हेल्थ बनती है और सब कुछ खाना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जिस तरह आप कहने कि स्ट्रिक्ट जोड़ा स्कड्यूल है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 घंटे रियाज प्लस बहुत सारी चीज़ा जी छड़निया पैदा है, या एक परफॉर्मेंस तो पहला रियाज तो पहला जब तुम परफॉर्मेंस करनी हैगी है तो जरूर थोड़ू अपने आप का ध्यान रखना पैना। जो तुम इस लैवल पर पहुँच जाते हो तो जरूर इस इंटरव्यू में देखो तो वो चीज़ा गुरुदेव जी को सीखो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी तिया भैनों अगे बताओ, दैट इज़ आर रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।